योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है। कभी गायों को चारा खिलाते दिख जाते हैं तो कभी कुत्तों को रोटी खिलाते हुए, और तो और कभी बंदरों को गोद में बैठा कर अपना काम निपटाते हुए। इस बार सीएम योगी की एक शावक को दूध पिलाते हुए तस्वीर आई है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बुधवार को शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंचे। यहां उन्होंने सफेद बाघिल को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़ा। इसके साथ ही तेंदुए के दोनों शावकों का नामकरण भी किया। सीएम योगी ने शावकों का नाम चंडी और भवानी रखा। इन नामों के साथ ही तेंदुए के दोनों शावकों को एक पहचान भी मिल गई। सीएम ने चंडी और भवानी को दुलार किया और दूध पिलाया। चिड़ियाघर की ओर से जारी प्रमाण पत्र पर बाकायदा उनके नाम भी लिखे गए। बता दें कि सफेद बाघिन गीता को 20 जून को ही चिड़ियाघर से गोरखपुर लाया गया था। सीएम योगी ने बाघिन गीता की तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की, साथ ही लिखा, अथाह शक्ति, अपार गति और अद्वितीय सौंदर्य का अद्भुत संयोजन। सफेद बाघिन गीता के आने से गोरखपुर के प्राणी उद्यान की शोभा बढ़ गई। इसके साथ ही योगी ने एक शावक को दूध पिलाते हुए भी तस्वीर शेयर की और साथ ही लिखा, रामराज्य की भावना के अनुरूप हो प्रत्येक प्राणी का संरक्षण, यही सनातन संस्कृति है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा तेंदुए के बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद ये जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन से गोरखपुर में हैं। इस बीच बुधवार को उन्होंने जनता दरबार भी लगाया। इससे पहले नवमी को उन्होंने कन्या पूजन किया। बुधवार को वे प्राणी उद्यान पहुंचे और वहां इस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इससे पहले सीएम योगी 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे। उस दौरान उन्होंने हर और गौरी नाम के दो गैंडों को केला खिलाया था।